नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल पैलेसेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित गढ़पैरा के किले के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस किले में आज भी भटकती है एक नर्तकी की आत्मा और इसके पहाड़ से सुनाई देती है किसी गाने की गूंज। तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहें। गढ़पैरा का किला सागर जिला का एक प्रसिद्ध किला है। यह किला सागर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह किला सागर झांसी राजमार्ग पर स्थित है। यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। सागर जिले में स्थित गढ़पैरा किले का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। इस किले पर राज करने वाले तत्कालीन शासक राजा मर्दन सिंह का 1857 की क्रांति में खास योगदान रहा है। इतना ही नहीं, इस किले में राजा और नर्तकी के प्रेम की एक अनसुनी दास्ता भी कैद है। और भी कई अहम बातें हैं जो इस वीडियो में बताने वाले हैं। भारत का अतीत ऐसे ऐसे रहस्यमयी स्थानों से भरा है जिनके बारे में सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी जुड़ी है मध्य प्रदेश के खंडर में तब्दील गढ़पैरा के किले की। कहा जाता है कि यहाँ आज भी एक नटीन मतलब कर्तव्य दिखाने वाली की आत्मा भटकती है। यह किला भारत के उन चुनिंदा जगहों में शामिल है जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। किसी जमाने में अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध यह किला आज जमीन में दफन होने की कगार पे है। काली पड़ती किले की दीवारें आज भी अपने अंदर कई गहरे राज छुपाए बैठी है। गढ़पैरा किले के बारे में एक कहावत यह भी है कि यह एक नट नर्तकी के श्राप के कारण अभिशप्त हुआ है और वीरान हो गया। किले परिसर में रहने वाले महंत बताते हैं कि इस किले के बारे में कहा जाता है कि इससे 360 मोजे लगी हुई थी। किले के सामने बने पहाड़ पर एक नट नर्तकी रहते थे। राजा को नर्तकी से प्रेम हो गया और राजा ने उसके लिए शीश महल का निर्माण करवाया, लेकिन राजा लोक लिहाज और रानी के कारण नर्तकी को सीधे तौर पर महल भेंट नहीं कर सकता था। ऐसे में राजा ने नर्तकी से कच्ची रस्सी पर नृत्य करते हुए शीश महल तक पहुंचने की शर्त रखी। नर्तकी ने चुनौती को स्वीकार करते हुए आधा रास्ता तो पार कर लिया, लेकिन राजा ने छल करते हुए अपने सेवक से रस्सी कटवा दी और नर्तकी की गिरने के कारण मौत हो गई, जिसके बाद नर्तकी ने राजा का वंश समाप्त होने और किला खंडर होने का श्राप दे डाला। तभी से गढ़पैरा का किला खंडर हो गया। किले के पास प्राचीन हनुमान मंदिर भी है जहां आषाढ़ माह में मेला लगता है। गढ़पैरा का अपना ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि 1857 की क्रांति में यहां के शासक ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया, साथ ही लंबे समय तक विद्रोह की अलग को जगाए रखा था। गढ़पैरा के इतिहास को लेकर यह भी तथ्य है कि जंतर मंतर और कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करने वाले राजा जयसिंह कछवा और उनके वंशजों के इस किले पर करीब 200 साल तक राज किया था। बता दें कि 1857 की क्रांति के समय गढ़पैरा के तत्कालीन शासक राजा मर्दन सिंह थे। राजा मर्दन सिंह ने 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लगभग एक साल तक उन्होंने अंग्रेजों की प्रशिक्षित और साधनों से सुसज्जित फौज को कड़ी टक्कर दी थी। सहागढ़ के तत्कालीन राजा भक्त बली और राजा मर्दन सिंह ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए सीमित संसाधनों के बावजूद कड़ी टक्कर दी थी। ब्रिटिश सेना बहुत ही प्रशिक्षित थी और मजबूत संसाधन होने के कारण मदन सिंह और भक्त बली की संयुक्त फौज उनका ज़्यादा दिन सामना नहीं कर सकी और हार गई। इसके बाद उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे से मदद मांगी, लेकिन इन लोगों की संयुक्त सेना भी अंग्रेजों से हार गई और करीब एक साल के प्रचंड विरोध के बाद राजा मर्दन सिंह और भक्त बली की सेना ने समर्पण कर दिया। यहाँ पर लोग देश विदेश से भी घूमने के लिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलते रहे। और आप भी अगर किसी जगह के बारे में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम जल्द से जल्द वहाँ का वीडियो लेके आएँ। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, इंजॉय करें। धन्यवाद।